दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा यूनिक बिजनेस जो कि आप आपके छोटी सी जगह से शुरू करके दिन का 6,000 से 10,000 रुपए की कमाई कर सकते हो। जी हाँ, वो कैसे कर सकते हो सारी जानकारी दूंगा। इतनी छोटी सी जगह में आप प्रोडक्शन शुरू कर सकते हो और ये बिजनेस में जो आप प्रोडक्ट बनाओगे ना उसकी डिमांड हर घर में है, इसीलिए ये बिजनेस बहुत लोग करना चाहते हो। और ये जब ये बिजनेस की जानकारी मैं आपको जब दूंगा, जब आप प्रोडक्ट देखोगे तब आप खुद शौक हो जाओगे कि यार इसका भी बिजनेस हो सकता है और ये प्रोडक्ट तो मैं मेरे घर में यूज करता हूँ। क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो हम लोग नोटिस नहीं कर पाते कि किसका बिजनेस करें, कौन सा प्रोडक्ट बनाए, राइट। तो आज मैं आपको ऐसे एक हाई डिमांडेबल प्रोडक्ट बनाने का बिजनेस के बारे में बताऊंगा। तो इसी यूनिक बिजनेस की जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूँ मार्क टेक्नो से, मिस्टर अंकित पटेल सर से मिल रहे हैं, जहाँ पर सर बताएंगे डिटेल जानकारी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित पटेल है मार्क टेक्नो से। हम अलग अलग बिजनेसेस करने के लिए मशीन्स बनाते हैं, उसी में से एक यूनिक बिजनेस है जिसके बारे में आज आपको बताएंगे। और दोस्तों आज मैं आपको गारंटी देके कहना चाहूंगा कि आज जिस बिजनेस के बारे में बताऊंगा ना उसकी डिटेल जानकारी ना आपको ना पूरे यूट्यूब पे, ना पूरे फेसबुक पे, ना पूरे इंस्टाग्राम पर मिलेगी। तो ये वीडियो आप एक एक सेकंड तक जरूर देखते रहिए ताकि इस बिजनेस की जो भी छोटी छोटी जानकारी वो आपसे मिस ना हो जाए। आगे सर बताएंगे कि ये बिजनेस में आपको प्रॉफिट कितना होने वाला है, प्रोडक्ट बनाना कैसे है, राइट, इतनी छोटी जगह से बिजनेस कैसे करना है, सारी ए टू जेड जानकारी सर हमें देंगे। इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, मार्केटिंग कैसे करनी है, हम लोग प्रोडक्ट बना तो लेते हैं बेचना कैसे, उसका भी सर टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। तो वीडियो में एक एक सेकंड तक जरूर बने रहिए और ऐसे ही अलग अलग यूनिक बिजनेसेस में आपके लिए लेकर आता हूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है कपड़ा। फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए इस तरीके का कपड़े का रोल आता है, ये कपड़ा इस तरीके से आता है, ये उल्टा चढ़ता है, ऐसे बनता है, ऐसे यूज करना होता है। ये सब वेराइटीज है कपड़े की, ये सारी वेराइटीज कपड़े में यूज होती है। तो जिस भी क्वालिटी का आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है उस तरीके का आपको कपड़ा लेना होता है। जैसे कि ये सारी वेराइटी आप देख सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, कलर वाला माल बनाने के लिए आपको ये वाला कपड़ा चाहिए होता है। तो वैसे ये ग्रीन कलर में भी मिल जाएगा, रेड कलर में भी मिल जाएगा, ये रेड में भी, पिंक में भी मिल जाएगा, ये येलो में भी मिल जाएगा, जो जो कलर चाहिए सब कलर में आपको ये कपड़ा मिल जाता है। फिर अलग अलग कलर के आप फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये रॉ मटेरियल हम खुद ही बनाते हैं जिससे कि आपको अच्छे रेट पे अच्छी क्वालिटी का कपड़ा हम दे पाए बिजनेस के लिए। तो दोस्तों फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए दूसरा जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो है फॉर्म, जो हम यहाँ पे बनाते हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमर को यहीं से हम ट्रांसपोर्ट में डालते हैं। रॉ मटेरियल की सप्लाई में बिल्कुल भी कमी नहीं होगी क्योंकि हम खुद ही बनाते हैं और सबसे अच्छी क्वालिटी की रॉ मटेरियल आपको बहुत ही अच्छे रेट में हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है फॉर्म हम आपको ऐसे काट के देंगे, जो साइज़ में आपको चाहिए उस थिकनेस में हम ऐसे आपको काट के बोरा बना के देंगे, ऐसे बोरे बनेंगे। देखिए आप, हमने दोनों रॉ मटेरियल देखे, फॉर्म और ये कपड़ा। फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहली प्रोसीजर ये है कि कपड़े को पट्टी के ऊपर लगाया जाता है, उसके बाद अंदर से फॉर्म निकाला जाता है, मतलब रोल तैयार करा जाता है। देखिए, ये जो पट्टियां है कपड़ा चढ़ाने के लिए वो आपको हमारे वहां से मिलेगी, इसके ऊपर कपड़ा चढ़ाया जाता है। देखिए आप, देख सकते हो कि आप कैसे चढ़ाया जाता है ये कपड़ा। ये कपड़ा पूरा चढ़ गया, अभी इसके अंदर फॉर्म डाला जाएगा। देखिए फॉर्म डालने का प्रोसीजर, देखिए आप फॉर्म डालने के प्रोसीजर में सबसे पहले सलिया लिया जाता है, ऐसे वो सलिया को अंदर डाला जाता है। सलिया डालने के बाद सलिया इस साइड से खींचा जाता है, खींचने के बाद कपड़े के अंदर पहनाया जाता है, ऐसे एकदम आसान तरीका है, लगाओ तो ऐसे लगाया जाता है। फिर खाली फॉर्म रखने का, फॉर्म को खाली रखने का है और उस साइड से बंदा सलिया खींचता है, उस साइड से बंदा सलिया खींचता है। तो वो जैसे ही सलिया खींचता है तो कपड़ा, फिर सलिया की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे ही फॉर्म बाहर आ गया फिर ज़रूरत नहीं होती है, लिपट गया, हाँ फिर ज़रूरत नहीं है, फिर अपने आप ही फॉर्म दूसरा खींचेगा ऐसे। अभी फॉर्म के एक फॉर्म के बाद दूसरा फॉर्म का टुकड़ा रखने का खाली, और वो माल खींचता रहेगा, अपने आप ही माल खींचता रहेगा, लगा, ऐसे ही होता है प्रोसेस, एकदम इजी प्रोसेस है।
आप देख सकते हो कि कपड़े के अंदर अपना फॉर्म लग चुका है, तो उसके बाद ये फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए तैयार है। इतना तामझाम जो अभी हमने किया वो इसलिए करा कि फॉर्म कपड़े के अंदर लग जाए। तो दोस्तों जैसे आपने देखा, हमने रॉ मटेरियल तैयार करा, क्लोथ के अंदर फॉर्म डाला, अभी हम ये इसको लगा मशीन पे लगा के फिनिश प्रोडक्ट तैयार करेंगे। ये रॉ मटेरियल से सर फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए ये मशीन है। ये मशीन सिंगल फेज है, सिंगल फेज पे चलती है ये, और बहुत ही कम स्पेस में ये लगती है, और ये मशीन हम खुद ही बनाते हैं। तो यदि अगर आपको तुरंत स्टार्ट करना हो बिजनेस, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास मशीन रेडी रहते हैं, तो आपको तुरंत मशीन मिल जाएंगे धंधा स्टार्ट करने के लिए। तो हम रॉ मटेरियल अपने मशीन में सेट करेंगे। देखो तो सर, ये मटेरियल को हम अभी अपने बेड पे रखेंगे, और इसके बाद ये आगे आगे जाके रोलर के अंदर जाएगा, फिर उसके बाद अपने आप ही मशीन आगे उसको खींच लेगा। अभी आप देख सकते हो कि मशीन ने, रोलर ने अपने आप ही उसको आगे आगे खींच लिया है। अभी हमारा रॉ मटेरियल पूरा सेट हो चुका है, अभी हम मशीन को स्टार्ट करेंगे। गोल सीधा कर दो। कार्ड। तो दोस्तों आपने जैसे इसमें देखा, एक बार रॉ मटेरियल इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही स्टार्ट बटन दबाते हैं, मशीन अपने आप चालू हो जाती है। फिर इसमें किसी भी लेबर की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप तैयार माल करता रहता है जब तक रोल खत्म नहीं हो जाता है। ये सीलिंग यूनिट है जहाँ पे अपना माल सील होता है। आप देख सकते हो कि कैसे सील हो रहा है। सीलिंग होने के बाद माल आगे जाता है जहाँ पे कटिंग यूनिट है, वो उसके बाद वो माल को काटता है, इसमें कटिंग होता है, उसके बाद माल तैयार होकर नीचे गिरता है अपने आप। ये तैयार माल आप देख सकते हो। तो सर ये जो हम लोगों ने फाइनल प्रोडक्ट बनाया वो क्या है, क्या काम में आता है, वो ज़रा बताइए। सर ये स्क्रबर बनाया अभी, वो स्क्रबर का यूज़ है बर्तन घिसने के लिए काम आता है। कोई भी प्रकार के बर्तन हो सब ये घिस देता है। तो सर ये कोई लेता है क्या, मतलब ये स्क्रबर में और बाकी स्क्रबर में क्या फ़र्क है? सर ये स्मूथ है, आप देख सकते हो, तो बर्तन घिसने के टाइम पे लगता नहीं हाथ में, जैसे कि अपने स्टील वाले स्क्रबर में लगता है, इसमें लगने का कोई चांस नहीं है, कोई भी इससे हाथ बर्तन घिस सकता है। तो आप देख सकते हो सर, ये स्क्रबर में ये प्लास्टिक का जरी है, तो ये इससे बर्तन आराम से साफ हो जाते हैं, लगता भी नहीं है, और ये आजकल ट्रेंडिंग में है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा चलता है। सर ये मशीन से अपने आप बहुत टाइप के, बहुत साइज़ के स्क्रबर बना सकते हो। ये लाइन में कोई भी आप कलर का कपड़ा ले लो, या तो कोई भी साइज़ का बना दो, हर एक साइज़ और हर एक वैरायटी का कपड़ा इसमें सील होता है, और हर एक प्रकार के स्क्रबर इसमें बनते हैं फॉर्म स्क्रबर में। देखो सर, अलग अलग टाइप के वैरायटी के रॉ मटेरियल से अलग अलग स्क्रबर बना सकते हो। जैसे कि ये सादा वाला है व्हाइट जरी के हिसाब से, ये कलर वाला माल है, और ये चमकी वाला माल है, ये ज़्यादा गहरा है, और ये कपड़े का वाला स्टील फॉर्म पैड है। ये जो ब्लैक स्क्रबर है ये नया है, ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। इसके ऊपर तार वाला कपड़ा है, और अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्म है, जिससे कि तार कोई मतलब भी, कौन से तार सर? SS वाला तार होता है, जिससे कि आप कोई भी तरीके का बर्तन आप आराम से घिस सकते हैं। सो आप उसी तरीके से खुद डिफरेंस देख सकते हो कि सबकी क्वालिटी और देखने में भी सब अलग अलग दिखते हैं। तो सर इसमें सबसे मेन बात है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओके, अगर हम लोग ये स्क्रबर बनाते हैं तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, वो जरा बताइए। सर एक्चुअली फॉर्म स्क्रबर में बहुत सारी वैरायटीज़ है, जैसे आप ये सब देख सकते हो, अलग अलग रॉ मटेरियल से, अलग अलग वैरायटीज़ से आप अलग अलग फॉर्म स्क्रबर बना सकते हैं। जैसे कि ये बेसिक स्क्रबर है, ये कलर वाला फॉर्म स्क्रबर है, ये चमकी वाला फॉर्म स्क्रबर है, और ये सबसे ज़्यादा अभी चलता है वो स्टील फॉर्म पैड वाला फॉर्म स्क्रबर है। अच्छा, तो अगर इसकी बात करें तो सबके लिए अलग अलग रॉ मटेरियल लगता है, क्लोथ जो है? हाँ, सबके लिए क्लोथ अलग लगता है, फॉर्म सबके लिए सेम है। सर सबका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अलग अलग रहता है। चलो इससे स्टार्ट करते हैं, जो सबसे ज्यादा मार्केट में रेगुलर स्क्रबर तक की तरीके से चलता है, जो बेसिक है, जो बेसिक है सर, मतलब एक पीस का कपड़े और फॉर्म का टोटल ₹1.80 बनता है, पूरा एक स्क्रबर बन जाएगा हमारा ₹1.80 में। लेकिन ये चीज डजन के हिसाब से बिकती है, तो डजन के हिसाब से बिकती है, तो 12 पीस का अगर कॉस्टिंग गिनते हैं तो ₹22 के करीब अपना जाता है 12 पीस का स्क्रबर का कॉस्टिंग। okay. उसके अलावा पैकिंग भी लगता है। अगर ये आप डजन का पूरा पैकिंग बनाते हो, पैकेजिंग के साथ, पट्टी के साथ, ठेली के साथ, कार्टून के साथ, तो ये अपना पैकिंग टोटल मिला के ₹28 से ₹29 पर डजन रेडी होता है, पर डजन। हाँ, तो सर वैसे ही ये कलर वाले स्क्रबर की अगर बात करें, तो कलर वाले स्क्रबर में थोड़ा कपड़ा जो होता है वो थोड़ा हैवी क्वालिटी का होता है, इसलिए इसका पर डजन के हिसाब से ₹29 से ₹30 कॉस्टिंग जाता है। okay. उसके बाद ये चमकी वाले, जिसको सोना चांदी के नाम से भी लोग जानते हैं, okay. तो ये चमकी वाला स्क्रबर उससे ₹1 महंगा है, ये अपने को पड़ेगा 29-30 से ₹31 में पड़ेगा, ये अपने को 29 से ₹31 पर डजन के हिसाब से पड़ेगा। okay. उसको सोना चांदी
चमकी वाला स्क्रबर भी बोलते हैं। ओके। और ये सबसे हैवी क्वालिटी का स्क्रबर होता है। हाँ। ये मार्केट में अभी बहुत अच्छी डिमांड इसकी है। इसको बोलते हैं स्टील फोम पैड। अच्छा, इसका कितना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सर अप्रोक्सीमेटली पड़ता है 55 से 60 रुपए के हिसाब से पर डजन। तो सर ये हो गए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात, अब मेन बात है बेचने की। मैं इसे कहाँ का बेच सकता हूँ और ये कितने में बिकता है वो जरा रेट वाले समझा दीजिए। समझो अगर मैं एक डजन का पैकेट बनाता हूँ तो एक डजन पैकेट में मुझे कितना मुनाफा मिलेगा वो जरा बताइए। अपन मैन्युफैक्चरर है तो अपन ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली इसको बेचते हैं होलसेलर को। राइट। जो कि मार्केट में बैठे हैं। राइट। या तो मॉल्स को बेच सकते हैं। तो ये चीज हम उनको बेचने के बाद ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 6 से 10 रुपया पर डजन के हिसाब से मार्जिन रख के अपने उनको बेचते हैं। एक डजन का जो पैकेट उस पे 6 से 10 रुपए का मार्जिन मिल जाता है। 6 से 10 रुपए का मार्जिन मिल जाता है आराम से। तो दिन का हम लोग कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब दिन में हम लोग कितने डजन के पैकेट्स बना सकते हैं वो मशीन से, वो जरा प्रोडक्शन कितना होगा वो बता दीजिए। सर मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर 12 घंटे की मानी जाए तो 12 घंटे में आराम से बंदा 1000 डजन आराम से बना सकता है। 1000 डजन पर डे अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, अगर एक डजन के पैकेट्स पे 6 से 10 रुपया मिल रहा है तो पर डे 1000 डजन बनने की वजह से, 1000 पैकेट्स बनने की वजह से पर डे आप 6000 से 10000 मुनाफा कमा सकते हैं। मशीन वगैरह सेटअप करके बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो रॉ मटेरियल प्लस मशीन वगैरह सब कुछ मिलाकर इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? अगर मशीन की बात करें तो अपनी जो सीलिंग कटिंग मशीन है जो कि फॉर्म्स कवर बनाएगी वो मशीन पड़ती है 3,40,000 की। उसके अलावा आपको चाहिए होता है मशीन चलाने के लिए एयर कंप्रेशर। जो एयर कंप्रेशर सब जगह पे मिलता है वो मिलता है 30,000 रुपए में। और एक वोल्टेज फ्लक्चुएशन के लिए अपने को चाहिए होता है सर्वो स्टेबिलाईजर जो कि 10,000 में मिलता है। मतलब मशीनों का टोटल कॉस्टिंग 3,80,000 के करीब पड़ता है। जो एयर कंप्रेशर और स्टेबिलाईजर जो है वो आप अपने खुद के वहाँ से भी ले सकते हैं, अपनी सिटी में मिलता ही है क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ से आपको बच जाए। अदरवाइज रॉ मटेरियल का कैसा रहेगा? इसमें जो यूज होता है रॉ मटेरियल के तरीके से कपड़ा और फॉर्म, वो दोनों चीज हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। तो आपको मेरे वहाँ से मिल जाएगा, वो आपको मेरे वहाँ से सस्ता पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको स्टील फोम पैड स्क्रबर बनाने का बिजनेस शुरू करना है तो सर की कंपनी का जो नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके इस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।